एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण घास के मैदान में मिलो नाम का एक चतुर छोटा चूहा रहता था। मिलो अपनी त्वरित बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए पूरे मैदान में जाना जाता था। उसके कई दोस्त थे और वे अक्सर मिलो की कहानियां और चतुर सलाह सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। एक दिन ओलिवर नाम की एक धूर्त बिल्ली घास के मैदान में चली गई। ओलिवर बेखौफ जानवरों को बरगलाने और उन पर तब हमला करने के लिए कुख्यात था जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। घास के मैदान के निवासी भयभीत थे और ओलिवर के चालाक तरीकों की अफवाहें तेजी से फैल गईं। मिलो एक चतुर चूहा था। उसने ओलिवर को मात देने और अपने साथी घास के निवासियों की रक्षा करने का फैसला किया। उसने एक योजना पर चर्चा करने के लिए सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, मेहनती चींटियां और सतर्क खरगोश सभी ओलिवर को मात देने के लिए मिलो के साथ शामिल हो गए। योजना सरल लेकिन चतुर थी। मिलो ने सुझाव दिया कि सभी जानवर जमीन में एक नकली छेद बनाने के लिए मिलकर काम करें, जो एक जानवर के छिपने के लिए पर्याप्त बड़ा हो। उन्होंने नकली छेद को घास के मैदान के केंद्र के पास रखा और इसे प्राकृतिक दिखने के लिए पत्तियों से ढक दिया। हमेशा की तरह जिज्ञासु ओलिवर बिल्ली रहस्यमय छेद की जांच करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह यह सोचकर सावधानी से पास आया कि उसे आसान भोजन मिल गया है। जैसे ही ओलिवर ने छेद में झांका, मिलो और उसके दोस्त हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत ओलिवर को घेर लिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह जाल में फंस गया है। भयभीत होने का नाटक करते हुए मिलो ने कहा, अरे नहीं ओलिवर, तुम हमारे चतुर जाल में फंस गए हो। हम जानते थे कि तुम एक धूर्त बिल्ली हो और हमें अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है। ओलिवर ने शर्मिंदा होकर और सतर्क होकर भागने की कोशिश की, लेकिन जानवर डटे रहे। मिलो ने आगे कहा, हम अपने शांतिपूर्ण घास के मैदान में परेशानी नहीं चाहते। यदि आप दयालु होने और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करते हैं तो हम आपको जाने देंगे। संख्या में कम और चतुराई से हारा हुआ महसूस करते हुए ओलिवर अनिच्छा से शर्तों पर सहमत हो गया। उस दिन के बाद से उसने अपने धूर्त तरीकों पर नियंत्रण रखा और घास का मैदान अपनी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण स्थिति में लौट आया। चतुर चूहे मिलो ने सभी को सिखाया कि कभी कभी बुद्धिमत्ता और सहयोग सबसे चालाक विरोधियों पर भी काबू पा सकता है, और इसलिए मिलो की त्वरित सोच और उसके निवासियों की एकता की बदौलत घास का मैदान हमेशा खुशी से रहता था।